Here we are in the BSNL ऑफिस। इस वक्त हम लोग हैं भारत संचार निगम लिमिटेड के ऑफिस में और हमारे साथ हैं कुछ एम्प्लॉयज़, कुछ यूनियन के लोग हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है कि पहली बार ऐसा हुआ कि BSNL अपनी सैलरी खुद नहीं दे पाया। अपनी पूरी एग्जिस्टेंस में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आदरणीय अरुण जेटली जी ने 850 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं, ऐसी अनाउंसमेंट आई है। अभी तक सैलरी मिली है कि नहीं मिली है ये हम लोगों को पूछना पड़ेगा। 850 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं, लेकिन BSNL which was one of the gems, which was one of the diamonds, which was one of the jewels of the public sector units of the government of India, how did it come to this kind of a condition? इस प्रकार की condition यहाँ पर कैसे हो गई, ये हम पूछेंगे। गणेश जी आप बताएं। सर ये जो पहली बात आप बोले 850 करोड़ रिलीज किए हैं, अनाउंसमेंट तो हुई है, हाँ वो गलत ये है जी। ये 850 करोड़ हमारे ही जो रेवेन्यू हो, मतलब जो गवर्नमेंट का आपको बकाया था, उन्हें बकाया से पहले जो 850 बोल रहे हैं ना जी, वो हमारे रेवेन्यू में से पैसे निकालना चाहिए। दूसरी चीज है जो 2500 करोड़ रुपया हमारे जो प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं गवर्नमेंट के लिए, वो 2500 करोड़ में से कुछ 500 करोड़ उन्होंने दिए है, उसके वजह से हमारी सैलरी सैटरडे को हमारे क्रेडिट हुई है, रिलीज हुई है फरवरी की सैलरी 15 तारीख को रिलीज हुई है 15 मार्च। हाँ। और अभी आगे क्या, क्योंकि ये सैलरी रिलीज होने से तो कुछ होने वाला नहीं। तो अभी आगे हमारा ये कहना है जो भी ड्यूज हमको गवर्नमेंट से आने हैं जी, जो हमने जो पेंशन कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को ज़्यादा दिया जो 2200 करोड़ के आसपास है जी, और जो हमने एक लोन दिया था 1400 करोड़ के आसपास, वो हमको रिटर्न आना है। ये सब चीजें लोन किसको दिया था? डीओटी को, एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सॉफ्ट लोन दिया था, बिकॉज़ एट दैट टाइम बीएसएनएल वाज कैश रिच। राइट। तो वो भी पैसे हमको आना है जी। और जो स्पेक्ट्रम हमको चाहिए 4G स्पेक्ट्रम, वो मेन हमारा ब्रेड एंड बटर है। दैट्स राइट। क्योंकि अभी ये 3 साल हमको आगे सर्वाइव करना है। अगर 5G आगे आता है तो उसके लिए हमको रुकना नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कहनी पड़ेगी प्रदीप जी, और आपको जिसको भी बात करनी हो प्लीज बात कीजिए। सबसे बड़ी बात प्रदीप जी यहाँ पर ये कहनी पड़ेगी कि बीएसएनएल के पास अभी 4G स्पेक्ट्रम नहीं है। लिहाजा क्योंकि PSUs डू नॉट बिड इन दी ऑप्शन प्रोसेस, और क्योंकि 2012 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका ऑक्शन हो, लेकिन दे वर नॉट अलाउड टू बिड। ना इफ यू आर नॉट अलाउड टू बिड which means now the TRAI must rule in their favor and say कि भाई ऑफ ऑक्शन प्रोसेस से आप जो हैं इसको बना लीजिए जी। आप बताएं where do we stand now? कौन बात करेगा आप में से, बताइए। आज की तारीख में आपको सैलरी मिली कि नहीं? Did you get the salary? आज की तारीख में तो हमको सैलरी महीने की मिल गई है जी। लेकिन अभी फरवरी की मिल गई, फरवरी महीने की तो मिल गई है जी। लेकिन अभी आगे की तो बोल नहीं सकते हैं, मार्च अप्रैल ये भी तो मिलना है। ये तो हमारा ये सैलरी तो हमारा हक है, और हमारा ही रेवेन्यू हमको ही नहीं दे रहे, ये तो गलत बात है ना जी। और ये तो हमको सरकार को भी पूछना ही है कि हमारा ही रेवेन्यू कहाँ कम पड़ रहा है कि हमको सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। Absolutely correct. Sir, which is cash rich organization, 2010 तक प्रॉफिट करता हुआ ऑर्गेनाइजेशन, 2010 तक उन्होंने 10,999 करोड़ 10,000 करोड़ का ईयरली उनका प्रॉफिट था जी। You have to admit that, and because some policies, right, you have to blame the government also. Yes. कि आपको free hand, जैसे auction नहीं कराने देंगे, 4G इनको देंगे नहीं, 5G का ज़माना है, 4G इनको नहीं दे रहा है। How do you expect the them to compete? Yeah, how do you expect? And आप इनका हाथ पैर बांध दे दिए, नहीं हाथ पैर बांध दिए और अब कहा है कि आप तैरिए और आप भागिए सबके साथ जी। आप बताएं। ज्यादा से ज्यादा इसका इफेक्ट रिलायंस जियो के ये इफेक्ट हुआ है। जो TRAI का एक काम है कि सब ये जो कंपटीशन है वो हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। वो व्हाटएवर द रिलायंस जियो इज डूइंग, TRAI इज गिविंग परमिशन टू देम, और उसके प्राइस वॉर के वजह से जी सर, उनके प्राइस वॉर के वजह से बाकी कंपनियां भी उसके लिए घाटे में जा रही है जी। तो ये प्राइस वॉर के वजह से वी आर फॉलोइंग ऑल द TRAI रूल्स, वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ व्हाट वी आर एलिजिबल फॉर दिस। करेक्ट। एक्चुअली वी हैव स्टॉप, अपना सर्वाइवल ही इधर क्वेश्चन में आ गया बिकॉज ऑफ दिस। When we are in competition, we should be in the same platform. That's right, absolutely. Competition should be the same for everybody. There should be a level playing field. ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो टैक्स पेयर्स मनी से बने हैं, यानी हमारे पैसे से बने हैं, वो आज वो एक जमाने में विच वर प्रोवाइडिंग लोन्स टू द गवर्नमेंट 10,000 करोड़ का जिनको प्रॉफिट था, जैसा प्रदीप जी ने अभी तक कहा, आज की तारीख में अभी पिछले साल का ही 2018 का जो लॉस है दैट इटसेल्फ इज 7,999 करोड़ विच हैज गॉन अप बियॉन्ड 8,000 करोड़ टुडे और एंड दिस इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट जो स्पेक्ट्रम आपके पास है विच इटसेल्फ इज वर्थ अबाउट 6,250 करोड़ एज फार एज आई नो. सो व्हाई कांट समथिंग बी डन अबाउट यू नो ओवर देयर एन एक्विटेबल काइंड ऑफ थिंग कि उसकी वैल्यूएशन करके उतना सरकार आपको दे दे. प्रॉब्लम क्या है उसमें? हमने ऑलरेडी बता दिया है सर कि जो उसको 13,000 करोड़ खर्चा आने वाला है उसमें बीएसएनएल का ये सरकारी एक इंटरप्राइज है तो उसमें इक्विटी इन्फ्यूज कर दीजिए, सब लोग बात कर रहे हैं, इसमें इक्विटी इन्फ्यूज कर दीजिए और जो अदर ऑपरेटर्स ने लाख करोड़ रुपया लोन लिया है बैंक से, लेकिन बीएसएनएल को लोन लेने के लिए प्रतिबंध किया जाता है डीओटी की तरफ से. दिस इज अमेजिंग, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. जी, वी विल कम टू दैट. Now you heard that. You heard that. BSNL is prevented from taking money from the market. Market से पैसे नहीं उठा सकते. जी, आप बता रहे थे. सर, और एक बात है कि जब रेवेन्यू नहीं है तो इतने जियो रिक्रूटमेंट क्यों हो रहे हैं? अभी भी एग्जाम चालू है और जियो रिक्रूट हो रहा है. और हमारा एक सजेशन था कि जो भी हमारे क्वालिफाइड है, सब 10वीं 12वीं वाले नहीं है यहाँ, सब MSc वाले भी है, MA वाले भी है यहाँ, और भी इंजीनियर्स भी है, तो उन लोग प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट लेके? उनके पास तो पूरा एक्सपीरियंस नॉलेज है, तो उनको प्रमोट करने के बजाय बाहर से जियो सबको बुला रहे हैं और जबकि आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं और हमें सैलरी नहीं मिलता है. क्यों? हमारा लॉस उधर ही होता है ना, क्योंकि उनको इतना पेमेंट कर रहे हैं. राइट, नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज. व्हाई इज दैट हैपनिंग? जी जी, आप बोलने वाले. जी 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 जी, बताइए. बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है जी, उसको नफे तो तोटे में यही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है, जैसे बाढ़ आया और कुछ भी आया, अर्थक्वेक आया, बाढ़ आया, कुछ भी आया, बीएसएनएल ऑलवेज प्रोवाइड करती है. सबसे ज्यादा सर्विसेज बीएसएनएल प्रोवाइड करती है. दैट्स राइट, एंड ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. यस सर, यस सर, दैट्स राइट. जी जी जी, बताएं. हां, नमस्कार जी. डीओटी से बीएसएनएल किया गया है वो ऑटोनॉमी और फ्रीडम देने के लिए, तो वो ही डिनाई किया जा रहा है. जी, प्रीडेटरी प्राइसिंग की वजह से रिलायंस जियो ने जो भी मार्केट में तहलका मचाया है, टेलीकॉम सेक्टर ही उन्होंने खराब कर दिया. व्हिच इज ओके, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके, व्हिच इज फाइन, बट देन यू शुड आल्सो बी अलाउड टू डू द सेम थिंग. आपको भी ये परमिशन होनी चाहिए. हमें 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया. हमारा जो कैश रिच था, जनरल रिजर्व हमारा 42,000 करोड़ था 2000 करोड़, उसमें हमें ईयरली इंटरेस्ट 3,000 करोड़ मिलता था. वो पूरा उन्होंने स्पेक्ट्रम चार्जेस, वाईमैक्स चार्जेस करके नाम पे गवर्नमेंट ने जमा कर दिया. लेकिन जो रिफंड है, जब पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम मैक्सिमम ऑफ द स्केल पे देते हैं, वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एक्चुअल पे होना चाहिए. तो वो 2011 से लेके 2018 तक, अभी तक भी वो 6,500 करोड़ का रिफंड हमें मिला नहीं है. अगर वो पैसा मिलेगा हमें, बैंक से हमारे जो एसेट्स है वो अभी भी डीओटी के नाम पे है, इसीलिए हमें जो लेटर ऑफ कंफर्ट है, लेटर ऑफ श्योरिटी है, वो डीओटी हमें मना कर रहा है. उसके वजह से हम ऑपरेशन एक्सपेंडिचर के लिए लोन हाउ मच वुड दैट बी जो डीओटी के पास अभी भी आपके एसेट्स पड़े हैं, जो आपको ट्रांसफर होने चाहिए. एट प्रेजेंट हमारे बुक्स में 1,50,000 करोड़ के एसेट्स है. 1,50,000 करोड़. अगर आज वो 1,50,000 करोड़ के एसेट ट्रांसफर हो जाए बीएसएनएल के नाम पे, देन यू हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल. देन एनी बैंक विल गिव यू एन ओवरड्राफ्ट. बीएसएनएल को मार्केट से पैसे उठाने के लिए मना कर दिया, आपने पाबंदी लगा दी. ऐसी पाबंदी प्राइवेट प्लेयर्स के पास नहीं है. दे कैन गो अब्रॉड, दे कैन इशू बॉन्ड्स, दे कैन इशू यूरो बॉन्ड्स, दे कैन इशू यूएस बॉन्ड्स, दे कैन इशू गोल्ड बॉन्ड्स, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन पिक अप 10 लाख करोड़ ऑल्सो. एज फार एज यू आर कंसर्न, यू आर नॉट इवन अलाउड टू पिक अप 1 रुपी. मतलब 1 रुपया आप मार्केट से नहीं उठा सकते, तो हाउ विल यू कम्पीट? नहीं कर सकते ना सर जी. अगर आप बोल रहे हैं कि अगर वोडाफोन 1,20,000 करोड़ रुपया मार्केट से उठा रहा है, वो एयरटेल 1,30,000 करोड़ है, रिलायंस जियो पे 2 लाख करोड़ का है बैंक लोन ले रहे हैं, तो बीएसएनएल अभी तक खाली 13,000 करोड़ ही उठाया है, उसको आगे उठाने के लिए नहीं दे रहे. तो हमारा कहना है कि हमें हमारे रेवेन्यू से हम उसको पेमेंट कर देंगे. That makes common sense. किसी को भी इतनी अकल होनी चाहिए कि अगर कोई भी PSU compete करेगा तो आपको उसको एक no, there has to be a level playing field. आप कुछ बोलने वाला? वही सर, वही मैं बोल रहा हूँ. अगर ये हमारा गवर्नमेंट PSU है और सोशल ऑब्लिगेशन अगर हमारे पास है, तो हमारा सब अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे में हो सकता है? राइट, एब्सोल्युटली. What about the social obligation? Social obligation, वही ना, social obligation का वैल्यू है ना, जहाँ कोई भी रेवेन्यू नहीं है, जहाँ कोई अदर ऑपरेटर नहीं जाते, वहाँ हम सर्विस दे रहे हैं, तो हम अगर social obligation फॉलो कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट There should be a market value for that. Yes. Right. Sandeep ji. This is unfair. No, forget it. Forget about everything else. This is ultra virus of the MRTB law. This is ultra virus of the competition law. How can a PSU like BSNL, which is one of the best run PSUs in the world, not just in India. आज की तारीख में BSNL की एग्जाम्पल देते हैं किस प्रकार कोई टेलीकॉम ऑपरेटर को ऑपरेट करना चाहिए बोथ एट हार्वर्ड, एट येल, एट वॉटन. Examples are given of BSNL और उसको आप revenue, उसको आप market से पैसा उठाने की इजाजत नहीं दे रहे. How do you expect them to survive? What is this? Totally एक policy की तरफ चल रहा है. इनका हाथ पैर बांध करके not allow them to work, dismantle them, उनको dismantle करके धीरे 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 private companies को जिस प्रकार you see in all India पूरे देश में एक परंपरा चल रहा है. Exactly what they did with Air India. Yes, Air India. You look at the example of Air India. Look at HAL. All these companies, TIFR, they all are not being able to. Look at Balco. Yes. Look at all these people. एक कोई भी अपना पगार दे नहीं पा रहा है and because of government's policies. No, not because of government. But here the situation is slightly different. Yes. और ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यहाँ पर स्थिति जो है, वस्तु स्थिति जो है, वास्तविक स्थिति जो है, not one government, successive government. ये जरा सी अलग है यहाँ पे. क्यों अलग है? क्योंकि इनका पैसा सरकार के पास है. याद रखें, जो 850 करोड़ या 500 करोड़ इनको दिया गया है वो बेल आउट नहीं है, वो इन्हीं का पैसा है, यानी बीएसएनएल का पैसा है. बीएसएनएल का पैसा बीएसएनएल को मिल रहा है, वो बेल आउट नहीं है. जैसा इन्होंने कहा, जो 1.5 लाख करोड़ के जो एसेट हैं आज की तारीख में जो डीओटी के पास पड़े हैं वो बीएसएनएल को ट्रांसफर कर दीजिए, उसके बाद कोई तकलीफ ही नहीं है. और 6,500 करोड़ जो और पड़ा हुआ है वो भी दे दीजिए, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. नक्सल वादियों का जहां प्रकोप है छत्तीसगढ़ वगैरह में, वह बस्तर में, वहां कोई नहीं जाता, सिर्फ बीएसएनएल जाता है. जी सर, हमारा वही कहना है, इसलिए हमने इसको इंडेफिनेट नहीं किया. हम एक प्रोटेस्ट गवर्नमेंट को दिखाना चाहते थे. तो अभी हम 5 तारीख को हम सभी लोग संचार भवन पर मार्च कर रहे हैं जी, दिल्ली में. लगभग 10 से 15 हजार लोगों को लेकर हम वहाँ पर मार्च करेंगे. वहाँ पर हमने ऑल पार्टीज के जो लीडर भवन एट पटेल चौक इन दिल्ली, वहाँ पर हम मार्च करेंगे और वहाँ पर हमने ऑल पार्टीज लीडर्स को इन्वाइट किया है. यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ऑक्शन हुआ स्पेक्ट्रम का, उसमें जो हाईएस्ट बोली लगी, मान लीजिए 20,000 करोड़ की लगी, 20,000 करोड़ में बिका नहीं, 20,000 करोड़ की जो हाईएस्ट बोली लगी उसी के ऊपर बीएसएनएल को कहा जा रहा है कि ये स्पेक्ट्रम आपको उसी पर मिलेगा, लोअर लेवल पे नहीं. पीएसयू है, इसको लोअर लेवल पे मिलना चाहिए, ये कहा जा रहा है कि आपको हाईएस्ट लेवल पे मिलेगा. अगर आपको हाईएस्ट लेवल पे मिलेगा, हाउ विल यू वर्क, आप काम कैसे करेंगे? हमारे पास पैसा ही नहीं है. इसके लिए उन्होंने प्रपोजल दिया है कि 50% गवर्नमेंट इन्फ्यूज करेगा इक्विटीज और 50% हमें लोन देगा जो 10 ईयर्स में हमें रिपे करना है. 10 years आपको repay करना है, which should be very easy. I don't think that should be very difficult. So the government is going to give you around 6,900 crores. Is that it? Is that the proposal? इसमें एक बात और है, जो नीति आयोग है जी, उसका कहना यह है कि 4G BSNL को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट ऑपरेटर्स दे रहा है. इस तरह से अगर बात करेंगे तो हम कहीं भी खड़े नहीं रह पाएंगे. आप देखेंगे कि देश में अगर रेलवे के बाद पीएसयू में सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट है, 1,70,000 को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं एज ऑन डेट, और हमारे ऊपर लगभग 1 लाख कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी निर्भर है. हाँ, जो रिटायर्ड लोग हुए हैं जिनको डीओटी पेंशन देते, लेकिन उनका जो मेडिकल है, जो मेडिकल सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए 2.25 लाख रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए. तो ये चीजों को भी देखना चाहिए कि सोशल एंगल से, कि आप एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट नहीं कर रहे लेकिन एम्प्लॉयमेंट को मार रहे हैं. जो कंपनी 2000 में 3.5 लाख लोगों को लेकर चली थी, आज 1,70,000 पर आई है. तो इनको भी आप कुछ स्कीम देकर, कुछ आईएमएम के रिपोर्ट अहमदाबाद के दिखाकर हमको डराकर हमको वीआरएस लेने के लिए बाध्य किया. आईएमएम अहमदाबाद इज आल्सो रिकमेंडेड कि 4G आपको दिया जाए, ये मत भूलिए. सिर्फ आईएमएम अहमदाबाद को ऐसे ब्लेम मत कीजिए, उन्होंने आपकी हिमाकत भी करी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. They have also said, IIMM Ahmedabad has said very very clearly that you have to be given 4G, क्योंकि अगर आपको 4G नहीं मिलेगा तो BSNL बंद हो जाएगा. Because you are in a field where services are the most important thing, where internet services, web services, fiber to home services. अच्छा, वो fiber to home services का जो project है वो कैसे चल रहा है, उसके बारे में क्या कोई बताएगा हमें? How is that doing? FTH FTTH के साथ हमने महाराष्ट्र में हमने जो किया है, केबल ऑपरेटर जो है उनके साथ टाइप करके हम 50-50% पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा रिस्पांस है, अच्छा रिस्पांस है, because that can be a major source of revenue. But look at them, they are tied up with the cable operators on their own. Yes. Private cable, the cable operators are private cable operators. Yes. And if this kind of independent decision making can be given to BSNL, why is the government and successive governments trying to stop and hamper their movements? Which is strange. They are taking independent decisions. Yes. और यहाँ पर ये देखिए, BSNL का जो डिक्लाइन हुआ वो शुरू हो गया था 2013 से, ये बता दें आपको, 2012-2013 से शुरू हो गया एंड इट हैज कंटिन्यूड टिल दिस डे. और आज की तारीख में मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि एक हमारा ज्यूल इन द क्राउन BSNL, जिसके ऊपर स्टडीज कंडक्ट की गई हैं हार्वर्ड में, वॉटन में, येल में, कि इस तरीके से PSU का मॉडल होना चाहिए. आज की तारीख में उसकी ये दुर्दशा इसलिए हुई है बिकॉज somehow or the other successive governments have only helped private operators, just like they were helping private airlines. याद रखें, प्राइवेट एयरलाइंस को जिस तरीके से बढ़ावा मिला, जिस तरीके से उनको बढ़ाया गया, जिस तरीके से सारे जो बायलैटरल रूट्स थे एयर इंडिया के वो भी प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे दिए गए. आज क्या हुआ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन जो है इट कैन क्लोज डाउन एनी टाइम, कभी भी बंद हो सकती है. इंडिपेंडेंटली चल के प्रॉफिट मेकिंग था. इट वाज एट वन टाइम इट वाज द लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन इन द वर्ल्ड, राइट, जस्ट लाइक BSNL. और दूसरी चीज क्या है कि जैसा आपने बताया, जो आपने सरकार को लोन दिया है, जो आपके एसेट्स हैं, जो आज की तारीख में DOT के पास हैं, जो आपकी वैल्यूएशन है एसेट्स की, वो अगर आपको दे दी जाए तो आज की तारीख में आपको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. सेम डे मैंने भी प्रपोजल दिया था कि आप हमको अप्रूवल दे दीजिए, ये हमारे ओन मनी से हम इनको 15% फिटमेंट दे देंगे. ये हमने प्रपोजल ऑलरेडी DOT को दिया है. एक्चुअलाइज अपने एसेट्स को कर देंगे, अपने इंक्रीज खुद लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं. दे शुड बी अलाउड टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट. स्पेक्ट्रम बाकी ऑपरेटर को सर्कल वाइज दे रहे हैं, मगर BSNL को अगर स्पेक्ट्रम देना है तो पैन इंडिया में लेना पड़ता है, ऑल सर्कल के लिए. जहाँ प्रॉफिट नहीं है वो सर्कल में भी लेना पड़ता है, वही एक उसमें से डिफिकल्टी. दिस वाज हैपनिंग टू एयर इंडियन एयरलाइंस व्हेन दे वर फ्लाइंग टू नॉन प्रॉफिट मेकिंग रूट्स, बिकॉज़ दे वर डूइंग बिकॉज़ नोबडी एल्स वाज विलिंग टू गो, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड. नाउ द पॉइंट इज दिस, जो प्रदीप जी ने अभी कहा कि जिस प्रकार एयर इंडिया को आपने ऐसे ऐसे रूट पे आपने फ्लाई किया विच वॉज नॉन प्रॉफिट मेकिंग, और उसको आपने फुल चार्ज लगा दिया एयर इंडिया पे, यू डिड नॉट अब्जॉर्ब द लॉस बिकॉज यू वांटेड टू कनेक्ट दो सिटीज. आप ये चाहते थे कि पूरी नेटवर्किंग पूरे हिंदुस्तान में हो जाए, इसलिए अलग अलग जगह पर ये लोग गए. नाउ इज दैट द सेम थिंग विच इज हैपनिंग टू BSNL? क्या BSNL को भी वही चीज हो रही है? जी बताएं, जो एयर इंडिया के साथ हुआ. हाँ, देखिए सर, अभी हम यही बोल रहे हैं कि जो नक्सल प्रभावित एरियाज है वो हमको दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट हमको दिया जाता है, JNK हमको दिया जाता है जी, ये सब एरियाज हमको दिए जाते हैं. और जो भी जहाँ पर कैलेमिटीज आ जाती है वहाँ पर हमको जाना पड़ता है, और वो बोलते हैं कि अगर आपको नुकसान होता है तो भी उसको सहन करके आपको वहाँ खड़ा रहना है, right. और जो देहातों में एक्सचेंजेस है, जो एक्सचेंज हमको 1000 रुपया रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन उसको मेंटेन करने में हमको 20,000 रुपया खर्चा आ रहा है, तो उसको भी हमको मेंटेन करना है, क्योंकि लैंडलाइन दूसरे लोग नहीं ये कर रहे, ये खाली BSNL ही लैंडलाइन दे रहा है जी. तो हमारा कहना है कि उसको जो यूएसओ फंड्स आ रहा था हमको पहले, उसको भी एबोलिश कर दिया अभी. यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन व्हिच इज वेरी अनफेयर, व्हिच इज वेरी वेरी. जो डिमांड्स है लेबर के वजह से, जो 15% फिटमेंट है, सरकार ने कहा कि ओनली 5%, बट आई थिंक दैट इज unlawful. I mean, has that been denied? Has that been denied? Yes, I have now nothing is there, sir. Nothing. It was already proposed that we will give the 5%, but as on today, no results are there. No results are there. 5%. Not even that 5% is being given, which is terrible. कि यहाँ पर जो MSBV के connections है, जहाँ पर हमारे exchange चल रहे हैं, उसको काटा जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास funds नहीं है, हम MSBV को pay नहीं कर रहे हैं. तो हमारा कहना है ये गवर्नमेंट का सेटअप है, तो हमने MSBV को भी बता दिया है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. महाराष्ट्र इलेक्शन बोर्ड फडणवीस साहब को हमने बता दिया है, अभी उन्होंने थोड़ा सा रहम करके इलेक्शन होने तक वो कनेक्शन काटेंगे नहीं करके अभी एश्योर किया है. तो शायद जून तक ये स्थिति रहेगी, शायद अभी जब नई गवर्नमेंट आएगी तब कोई इसके ऊपर निर्णय होगा. बट उम्मीद करते हैं कि TRAI का जो निर्णय है वो आपके फेवर में आए, जल्द से जल्द आप लोगों को अपना जो पैसा है वापस मिले. एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि BSNL रेड में नहीं है, BSNL एक्चुअली लॉस में नहीं है, ये नोशनल लॉस है. क्यों नोशनल लॉस है? क्योंकि इनका पैसा सरकार के पास पड़ा है. आज अगर सरकार इनका पैसा इनको वापस दे दे तो कोई तकलीफ ही नहीं है किसी को. Nobody has, nobody will have any problem. Nobody will have any problem. Do you think that money will come back? We are hoping. Hopes are there, sir. Right. दो बात हम कहना चाहते हैं जी. एक 24 फरवरी को जी. और 3 दिसंबर को माननीय मनोज सिन्हा साहब ने भी हमको एश्योरेंस दिया था जी. ये सब जो चीजें हैं उन्होंने एग्री की थी, फिर भी वो अभी at the moment the matter is out of their hands. Finally it will go to the TRAI. हमको ये समझ में नहीं आ रहा है. And then the Supreme Court will have to come in. का डिसीजन कौन करेगा? DOT करेगा या माननीय मनोज सिन्हा जी करेंगे, या PMO करेगा या प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है. अगर हम थोड़ा ऑटोनोमस दे दीजिए हमको, तो हम करके दिखाएंगे. अब हमको आगे जाने नहीं, और वापस BSNL को उसी स्थिति में लाएंगे जहां पर आपका 10-10 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट आ रहा था. ऑल दैट दे आर आस्किंग फॉर इज अलाउ अस टू वर्क. That's all that they're asking for. ये कुछ नहीं मांग रहे, ये सिर्फ ये बोल रहे हैं भाई हमें काम करने दीजिए. काम करके हम देश को 10,000 करोड़ का प्रॉफिट फिर ला करके दिखाते हैं. जो प्राइवेट प्लेयर्स को आपने सुविधा दी है, अगर वो भी ना दें एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो दे दें. जो हम लोगों का हक है वही दे दें, जो हमारा पैसा है वही लौटा दें. चलिए हम आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे. 1.5 लाख करोड़ के एसेट्स हैं. 6,950 रुपए का तकरीबन स्पेक्ट्रम है जो आज की तारीख में विच कैन बी एक्चुअलाइज. आई थिंक इट्स अबाउट 6,950 करोड़ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑफ स्पेक्ट्रम. अब इतना ही अगर आप कर दीजिए तो इनको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. आपको कोई पैकेज अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई बेल आउट अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बल्कि हो सकता है कि 2 साल के बाद आप सरकार को बेल आउट दें, हो सकता है, जैसे पहले दिया था. सेकेंडली ये कंपनी PSU BSNL कंपनी, इसके लिए जरूरत है. ये कंपनी अगर मार्केट में अगर ये कंपनी नहीं रहेगी तो ये जियो वगैरह जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है इतने कॉल कर देंगे कि ये सर्वसामान्य मतलब लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे के लिए. इसके लिए सरकारी PSU कंपनी जरूरी है मार्केट में रहने के लिए. एब्सोल्युटली. सो व्हिच मींस प्रदीप जी, कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने बात करी थी आगे 1,50,000 एक्चुअलाइजेशन हमको दे दो. हम अपने सैलरीज, अपने इंक्रीज ऑफ वेजेस, हमारे जो लेबर डिमांड्स है, एंड वी विल गिव अ लोन टू द गवर्नमेंट बिकॉज़ वी विल गिव अ लोन टू द गवर्नमेंट एज द लोन हैज ऑलरेडी बीन गिवन अर्लियर. चलो वो लोन ही लौटा दीजिए, हमको पैसा लौटा दीजिए. जो अभी DOT के पास लोन पड़ा है वही लौटा दीजिए. और आखिर में जो प्रदीप जी ने बात करी थी, जो मैं बोलने जा रहा था, जिस रूट पर एयर इंडिया चलती थी, यानी उसके पहले इंडियन एयरलाइन चलती थी, जबरदस्ती उनको चलाते थे, फिर प्राइवेट प्लेयर्स आ गए. आज की तारीख में तकरीबन 80 ऐसे रूट हैं जहां पर इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत की फ्लाइट जाया करती थी. आज की तारीख में बंद हैं क्योंकि कोई प्राइवेट प्लेयर वहां पर जाने को तैयार नहीं है. क्या आप BSNL का हशर वही करने वाले हैं? ऐसा ना करें, क्योंकि BSNL तैयार है, बशर्ते कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, इनको काम करने की इजाजत दें. यहां पर किसी को आपसे भीख नहीं चाहिए, किसी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ काम करने की इजाजत चाहिए. और इनका पैसा, यानी BSNL का पैसा जो आपके पास पड़ा है, वो लौटा दीजिए. आगे जाकर के, जैसे मैंने बोला, पहले भी DOT को आप लोन दे चुके हैं, सॉफ्ट लोन दे चुके हैं, आगे जाकर भी देंगे. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. इसमें एक इशू और है कि ये गवर्नमेंट बोलती रहती है कि हमारा जो रेवेन्यू में से 60% सैलरी में खर्चा हो जाता है. अगर हमारा पहले 30-35 हज़ार करोड़ सैलरी रेवेन्यू था, आज वो अगर 15-20 हज़ार करोड़ पर आया तो ऑटोमेटिकली हमारा ऊपर जाएगा। बात है कि हमारे 5 साल में 50,000 लोग रिटायर्ड हो रहे जी. तो अगर वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल वाइबल हो जाएगा. बट यू वोंट इवन, आई डोंट थिंक वी विल नीड टू इवन डिस्कस दैट. अगर आज की तारीख में सरकार सिर्फ पैसा इनका वापस दे दे, मैं उम्मीद करता हूं, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आज की तारीख में हमारे ही लोगों का, हमारी ही कंपनी का, BSNL भारत की कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत याद रखें, भारत की कंपनी है. इस भारत की कंपनी का जो पैसा भारत सरकार के पास है, भारत संचार निगम लिमिटेड को वापस दे दीजिए. आगे जो होगा आप खुद देखेंगे कि कैसे कंपनी एक बार फिर प्रॉफिट में आती है. That's it. That's all we've got for you from Pradeep and me right here on the RTB show on News World India. We'll be back with you tomorrow at 10:30 in a different place with a different subject. In the meantime, keep watching News World India. Bye-bye.